एक दिन भरतानंद जी आपने और भी यही प्रश्न पहले बाबा आएगी ऐसा है भरत जी की शरीर जो है ना ये पांच भूतों से ही बना है। इसे तो ये हमारे जैसे पुजारी जी है ना शंकर जी के, तो कभी कभी शंकर जी के लिंग में भस्म लगाते हैं। लिंग तो लिंग ही है पर भस्म ऐसा लगाते हैं कि ये आंख है, ये कान है, ये नाक है, ये मुंह है, सब लिंग में ही बना दे। बद्रीनाथ की जो शिला है बिल्कुल शुद्ध शिला ही है, उस पर चंदन ऐसे ढंग से लगाते हैं तो उसमें हाथ पांव मुंह सब बन जाता है। शंकराचार्य भगवान ने महालक नंदा में से एक शिला निकाली थी, वही बद्रीनाथ पर रोकते विराजमान। तो ये पंचभूत जो घन पंचभूत है उसमें कर्मानुसार एक आकृति बन जाती है ईश्वर की, ईश्वर की प्रेरणा से शक्ति से कर्मानुसार एक आकृति बन जाती है। तो ये शरीर असल में मिट्टी नहीं है, मिट्टी से एक हम इसी पृथ्वी को, पृथ्वी से एक, जल से एक, तेज से एक, वायु से एक, आकाश से एक। इसको आकृति के रूप में मत देखो, नाम के रूप में मत देखो, इसके जो मूलभूत तत्व हैं उनके रूप में देखो। और फिर मैं पृथ्वी हूँ, मैं जल हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, मैं आकाश हूँ, और अपने को आकाश के रूप में विराजमान कर दो। तो आकाश में वायु, वायु में अग्नि, अग्नि में जल, जल में पृथ्वी, ये चार भूत जो हैं वो आकाश के अंतर्गत हो जाएंगे। तो आकाश कोष तनवो तनवो महांत तस्मिन पदे तिगत चित्त लवा वसंती। महात्मा लोग कहाँ बैठते हैं? आकाश शरीरम ब्रह्मा। मैं ये नाम रूप वाली आकृति नहीं हूँ, मैं तो भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश रूप हूँ। तो चिदाकाश में चित्ताकाश सूक्ष्म शक्ति का समावेश हो जाता है और चित्ताकाश में भूताकाश का सन्निवेश हो जाता है, और चिदाकाश के रूप में अपना आत्मा है ऐसा अनुभव करते हैं। आपको सुनाया जाएगा श्री उड़िया बाबा जी महाराज, श्री हरि बाबा जी, श्री आनंद बाबा खन्ना गए थे। खन्ना वहां त्रिवेणीपुरी नाम के एक महात्मा निवास करते थे, नग्न ही रहते थे प्राय, लोगों के बीच में कोई और लिया और लिया कंबल डाल देते थे शरीर से। तो जैसे ब्रह्म का स्वरूप निराभरण है ना, नग्न रहना भी एक तात्विक, अनाच्छादनम चरति परमहंसा, कोई अपने ऊपर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रह्म निराभरण है वैसे परमहंस भी निराभरण है। दुनिया के लोग तो सब बात नहीं समझते हैं। तो जब तीनों महात्मा हरि बाबा, उड़िया बाबा जी और त्रिवेणीपुरी जी बैठे हुए तख्तों पर,
तो किसी ने लाके एक इलायची की पुड़िया रख ली, मैंने उठा लिया और त्रिवेणीपुरी जी से पूछा कि ये क्या है, और हंस के बोले ब्रह्म है। ब्रह्म ऐसे एक बार से उल्या बाबा जी महाराज को भी बात की, गंगा किनारे बैठे हुए थे कर्णवास में सायंकाल, जय दयाल जी की धूमधाम थी उन दिनों में, मैं तो सीता पर खड़े थे, तो बाबा ने दोनों हाथ से बालू उठाया और बोले देखो शांतनु, शांतनु बोलते थे। कई पंडितों को ये भ्रम रहता है कि संतनु शब्द रहने के लिए ना, सम कल्याणम तनु होती, क्योंकि संतनु बाबा हमको शांतनु बोलते, शांतम संतम सत्पुरुषम नव की स्तव की, क्योंकि शांतनु है, शांतम नवती क्योंकि शांतनु नुस्तुत बोले शांतनु देख, ये बालू जब तक ब्रह्म न मालूम पड़े ये साक्षात ब्रह्म है तब तक ज्ञान बढ़ेगा, अब आपको फिर वहां ले चलते। 4 बजे सुबह में त्रिवेणीपुरी जी के पास गया, बड़ा आनंद आया, अब उस आनंद का टुका बड़ा आनंद करा, जिस संधो की आनंद का फुहारा, आनंद की गंगा, आनंद का समुद्र, आनंद की वर्षा हो रही है, 15-20 मिनट ऐसे बैठे रहे। वे बोले तो देखो पंडित, केवल पृथ्वी का लोप कर दो, 4 भूतों में से एक भूत जो अंतिम भूत है पृथ्वी, ये जल में लीन हो गई, कार्य कारण में लीन हो जाता है, पृथ्वी में तब तुम्हारा शरीर, मकान, वृक्ष, लता, पर्वत सब गायब। अच्छा, अब जल पृथ्वी में जाए तो, और जल अब तेज में जाए तो, तेज वायु में जाए तो, वायु आकाश में जाए तो, और आकाश जैसे स्वप्नाकाश जैसे चित्त में रहता है वैसे हो जाए तो, आपके चित्त में समग्र आकाश आ गया कि नहीं, और चित्त सबसे होने से चित्त पदार्थ का ही चिराकाश का नाम चित्त है, जब वो सबसे होता है, यदि चित्त निर्विषय हो तो वो शुद्ध चित्त ही है, चिन्ह मात्र ही है, निर्विषय चित्त का नाम चित्त है और सबसे चित्त का नाम चित्त है। लो अब आप देखो आपके स्वरूप में क्या है, तो ये नाम रूप वाला जो शरीर है इसमें मैं रख करके जो चिंतन होता है उसमें ये सृष्टि अपने उदर में नहीं आती है, और जब नाम रूप आकृति को, नाम रूप क्रिया को छोड़कर इस देह में से मैं हटाकर ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भया, निर्भय होकर के अपने नाम रूप को छोड़ो और ब्रह्मलोक को बताओ धक्का और कूद पड़ो धरती, और ब्रह्मलोक में व्यक्ति रहता है, ब्रह्मलोक के व्यक्तित्व को छोड़ करके मिट्टी से मिलो, फिर पानी से मिलो, फिर अग्नि से मिलो, फिर वायु से मिलो, फिर आकाश से मिलो, और चित्त तो हमेशा ही जब आकाश में ही भीड़ भाव नहीं है तो आकाश के निर्माता और दृष्टा मन में तो भेदभाव हो गई कहां से, और उस मन का जो अधिष्ठान चेतन है प्रकाशक उसमें भेद कहां है, तो सकल दृश्य निज उदर मेल अपने पेट में समग्र सृष्टि को डाल लो, कहो तो नींद आ जाएगी तो बोले सोवत निद्रा तभी योगी, जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति परा, निरस्त सर्वसंकल्पा या शिलावद अवस्थिति, जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता
सास्वरूप स्थित परा सारे संकल्प मिट गए। घन पाषाण के समान जिसमें सू घुसने की जगह नहीं, ऐसा चिन्मात श्रुति कहती है कृष्णस्तु प्रज्ञान घन है, सब कुछ प्रज्ञान घन ही है। घना प्रज्ञान, घना प्रज्ञान माने खसाखस ठोस जिसमें दूसरे का प्रवेश नहीं। घन शब्द का अर्थ है खसाखस जिसमें दूसरे का प्रवेश नहीं, ऐसा चिन्मात्र। ब्रह्म सूत्र कहता है आहच तन्मात्रम तदेव तन्मात्रम, परमात्मा के सिवाय आत्मा के सिवाय दूसरे कोई वस्तु नहीं, निद्रा नहीं माने अभान नहीं है, भानात्मक है। और सो महाराज भगवत स्वरूप का अनुभव करता है और वहां द्वैत का लेश मात्र भी नहीं रहता है। शोक हो भय हरत है ये तो शरीर में शोक मोह आदि जो है ना, ये तो नाम रूप क्रिया वाले शरीर में ही रहते हैं, न मिट्टी में है, न पानी में है, न आग में है, न हवा में है, न आसमान में है। ये शोक मोह भ्रम जो है ये तो देहाभिमानी के सिर पे बोझ बने हुए हैं। जो देहाभिमानी नहीं है उसके लिए तो शोक मोह भ्रम ये सब कुछ होता ही नहीं है। इसलिए जब तात्विक दृष्टि होती है या तात्विक दृष्टि से चिंतन करते हैं तो वहाँ शोक मोह अतिशय द्वैत भी होगी, वहाँ द्वैत का लेश भी नहीं है। तो नारायण देह में अपने को रख करके जो ब्रह्म चिंतन करते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। पहले देह का बात करो, अब बात करो तुम तो मिट्टी पानी आग कप के बने हुए एक पुतले नहीं हो। जब आकाश में ही मैं और तुम का भेद नहीं है तो मैं के अपने स्वरूप में आत्मोल्लास में आत्मविलास में ये सब मैं और तुम और यह और वह और अब और तब और यहाँ और वहाँ यहाँ वहाँ अब तब यह हुआ मैं तू, ये भेद जो है जब आकाश में ही नहीं है तो चिराकाश में कहाँ से होगा और अपना स्वरूप चिराकाश में। अरे महाराज ये व्यापक व्याप्य भाव जो है ये भी अज्ञान दशा में ही है। व्याप्य व्यापकता मिथ्या तेज तेजो बिंदु उपनिषद में व्याप्य व्यापक भाव द्वैत में ही होता है, अद्वैत में नहीं होता है व्याप्य व्यापक भाव। और तो खंड काल में अखंड काल के साथ व्याप्य व्यापक भाव होता है, खंड देश में अखंड देश के साथ होता है। तो अखंड देश अखंड काल अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है और खंड काल खंड देश खंड वस्तु ये सब के सब केवल भान मात्र स्वप्न के पदार्थ के समान ही है, इनका मूल तत्व कोई नहीं है। लेकिन भरत जी आपका जो प्रश्न है ना वो सभा में पूछने योग्य नहीं है। तो इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और किसके मन में क्या हो किसके मन में क्या हो और उसमें तुम्हारे प्रश्न के कारण हमको वेदांत बधारना पड़ता है, यहाँ लुगाया पताया सब बैठे हुए तो ऐसे ही तुम यदि कथा भी कहोगे जैसे सभा में प्रश्न जैसा कर रहे हो ऐसा कथा भी करोगे तो कौन सुनने आ रहे हैं। तो लोगों को देख करके थोड़ा है ना, लोगों को थोड़ा देख करके बताना चाहिए। अच्छा महाराज श्री आपने सत्संग में कहा था कि ईश्वर को अधिक डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसका क्या आशय है? क्या निश्चित समय व स्थान अतिरिक्त क्या निश्चित समय व स्थान के अतिरिक्त ध्यान नहीं करना चाहिए? जाइए तब आप ईश्वर को डिस्टर्ब नहीं करें। ध्यान की पराकाष्ठा है मौन, ध्याता ध्यान धोए की त्रिपुरी से मुक्त होकर
मौन ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। वाणी का मौन, मन का मौन, बुद्धि का मौन, जो मौन रहेगा वो किसी को डिस्टर्ब क्यों करेगा? ये तो मांगने वाले लोग ही डिस्टर्ब करते हैं ईश्वर से, और उनका ईश्वर की बुद्धि पर विश्वास नहीं होता है। कहते हे प्रभु तू ऐसा कर दे, हे प्रभु तू ऐसा कर दे, एक बरस में बेटा दे दे, बेटा भी स्वस्थ सुंदर दे दे, हैं? फिर धनी और आयुष्मान दे दे। ये जो मांगने वाले लोग हैं ना, ये सुख शांति से रहने नहीं देते हैं, और अंततो गत्वा ईश्वर इनका मजा लेता रहता है, सदा मांगते बने रहते हैं। और मांगना छोड़ दो तो ईश्वर से ही खो जाओगे। ईश्वर किसी से कुछ नहीं मांगता है, तुम भी किसी से कुछ मत मांगो। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो महाराज परमात्मा का स्वरूप है। जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। एक दिन शहंशाह जी कहीं घूम रहे थे, रास्ते में मिल गया बादशाह। तो उसको बादशाह के आदमियों ने आके कहा, उस शहंशाह आप कौन है? बादशाह की सवारी आ रही है, रास्ता छोड़िए, हट जाइए। वो तो बोले कि कौन आ रहा है? तो बादशाह, तो वो बादशाह है तो मैं शहंशाह हूं, मैं क्यों रास्ता छोड़ू? अब बादशाह को बड़ा कौतूहल हुआ सुन के, आया, बोले महाराज आप कौन है? तो शहंशाह। तो तुम कौन हो? बादशाह। बादशाह को क्या अधिकार है? वो चाहे जिसको अपने देश से निकाल दे। शहंशाह ने कहा कि अच्छा, तुम्हारे राज्य में जितने मच्छर हैं, मक्खी हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, बड़े राजा बनते हो, जरा इनको निकाल के बताओ। अब तो बादशाह बेचारा चुप हो गया। हाँ महाराज, आप शहंशाह हैं, हमसे बड़े हैं, आप हमारे महल में कभी पधारिए। अब महाराज शहंशाह गए महल में, तो दरवाजे पर बंदूक संगीन लिए हुए सिपाही खड़े थे। बोले वो बादशाह कहाँ रहता है, कैसी महल में? तो बोले बादशाह है कि कैदी है? जो पहरे में रहता है वो बादशाह से, वो तो कैदी है, हम ऐसे कैदियों से मिलने के लिए नहीं जाते। और लौटने लगे महाराज। हाँ, बादशाह ने देख लिया, आया उतर के, महाराज पधारिए, और सिपाहियों को बता दिया पधारिए। जब शाम हुई तो बादशाह तो मुसलमान था, उसने तो वही कपड़ा बिछाया और ईश्वर के सामने नमांसि 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 नमः 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 करने लगा। तो नमाज शब्द बना है ना संस्कृत से, नमांसि शब्द बना, नमस्कार प्रधान है, और ईसाइयों का जो प्रेयर है ये प्रार्थना शब्द से निकला है। अब तो नमाज पढ़ रहा खुदा से, इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह करके, तो माने खुदा हमको ये दे, खुदा हमको ये दे, खुदा हम, खुदा माने तो जो खुद आवे उसका नाम खुदा, खुदा माने स्वयंभू। संस्कृत में जो स्वयंभू शब्द है ना, स्वयं भवती, तो अब खुदा हमको ये दे, हमको ये दे, हमको ये दे। अब तो महाराज शहंशाह जी चल पड़े वहां से। बादशाह ने आकर, महाराज क्यों जा रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं, क्या अपराध हुआ? कहा मैं तो बादशाह समझ के तेरे घर में आया था, तू तो मांगता है, भिखारी है, कैसा बादशाह है जो मांगता है? तो भाई देखो, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, नित्य शुद्ध गुप्त मुक्त नारायण देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित, ये निर्विशेष अद्वितीय अपना आत्मा है, ये जब तक मांग रहा है ना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तब तक ये अधूरा है, अपूर्ण नारायण। तो हम भगवान को, जब तक हम ये नहीं, भगवान जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं तो ठीक है, भगवान बोल रहे हैं तो ठीक है, भगवान सोच रहे हैं तो ठीक है। अब उनको जब हम सुझाव देने लगते हैं कि हे भगवान आज वर्षा करो,
आज गर्मी डालो, आज ऐसा करो, आज वैसा करो। हम अपनी अक्ल को इतनी बड़ी मानते हैं कि यही जो सर्व करना है खुदा को, ये जो काम है ना काम, अपनी बुद्धि के अनुसार हम ईश्वर को चलाना चाहते हैं, इतनी हिमाकत, इतना दुस्साहस कि हम ईश्वर को सलाह देने जाते हैं जैसे ईश्वर को कोई बुद्धि ही ना हो। तो वो नारायण कोई संकल्प चित्त में उठना, क्यों उठे संकल्प? यदि परमात्मा कर रहा है तो सब ठीक कर रहा है, और यदि हम निर्देश निर्विशेष हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, तो संकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे साईं थे ना मस्तकों के, उनकी एक खास बात ये थी, ईश्वर से कभी कुछ मांगना नहीं, कुछ मांगना नहीं, अपने मन में कोई कामना ना हो। सबसे बड़ी आराधना यही है और सबसे बड़ी सेवा यही है कि यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेकिन बासन बसन चुराई। सबसे बड़ी सेवा यह है चित्त की निष्कामता जो है। आजकल जो निष्काम कर्म का ढोंग है, दुकान पर बैठ के दूसरे की गांठ काटते हैं निष्काम भाव से, और साल साल में पलटन पैदा होती जाती है निष्काम भाव से। ये जो निष्काम कर्म के नाम पर ढोंग बतूरा चलता है वो नहीं, जो हो रहा है, जो दिख रहा है, ईश्वर जो कर रहा है नारायण, वही के वही संतुष्ट हैं, तब तो ईश्वर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और यदि अपनी अक्ल ईश्वर की अक्ल में डालना चाहते हैं, अपनी अक्ल से काम लेना चाहते हैं, तो आप ईश्वर को नौकर समझते हैं, ईश्वर को मालिक नहीं समझते हैं। अगला प्रश्न है, महाराज श्री जीवन में निर्भीकता कैसे आवे? आशानाई बंदी, एक तो इतना निर्भय हो कि अकेला, सबसे निर्भय कौन होता है? और द्वितीयात भई भयम भवती, दूसरे से भय होता है। तत्वज्ञान हो जाता है तो अभयम प्रतिष्ठां गच्छति, अभय प्रतिष्ठा का अनुभव होता है। अभयम अभयी जनक प्राप्त होती, एक तो अभय वो है, और दूसरा है महाराज जी पहलवान साथ रख। कैसा पहलवान? जिससे जबरदस्त और कोई ना हो, और वो कौन है? कहीं या तो निरंतर ईश्वर के साथ रहो तो निर्भय रहोगे, और या तो द्वैत रहेगा ही नहीं तब निर्भय रहोगे। तो भक्ति भाव में परमेश्वर साथ रहता है, मोरे संया भये कुतवाल अब डर काहे का। हमारे गांव में जाते हैं, मोरे संया भये कुतवाल अब डर काहे का, हमारे साथ परमेश्वर रहता है, डरना किसको है? और नारायण जब हमारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं तो डरना किससे? इसलिए या तो अद्वैत की अनुभूति हो या तो ईश्वर की अनुभूति हो, तो निर्भीकता अभय पद की प्राप्ति हो जाती है, सोवयम गच्छति। और नहीं तो डरते रहेंगे, रुपया खोने को डरते हैं, रोग होने को डरते हैं, मरने को डरते हैं, संयोग वियोग को डरते हैं, ये सब मोह मूल परमार्थ नहीं, सारा का सारा मोह का खेल है, परमार्थ में ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, और कृष्ण भगवान श्री गोपाल तापनी उपनिषद के उत्तर तापनी में भगवान श्री कृष्ण सही आत्मा हम कथम भोक्ता भवानी, इस बात का निरूपण करते हुए पंचभूत और मन का उल्लेख किया, जो अपना स्वरूप का बोध कराया, इन बातों को समझाने की कृपा करें। कृष्ण भगवान
कभी कभी बहुत गड़बड़ करते हैं भला, कुछ सवाल जाति का असर तो है। आपको क्या सुना, हम बीकानेर में एक गोस्वामी जी के घर गए तो ठाकुर जी को भोग लगाया उन्होंने, उन दिनों ऐसा प्रसिद्ध था कि दंडी स्वामी लोग जो हैं वो भगवान को भोग लगाया हुआ नहीं खाते हैं, क्योंकि स्वयं नारायण है तो नारायण का उच्छिष्ट नारायण कैसे चाहेगा। तो उन्होंने उठा के ठाकुर जी को श्याम सुंदर को भोग लगाया और लाट को मेरे सामने रख लिया। मैंने उनसे पूछा कि गोस्वामी जी आपने अपने लिए भगवान का प्रसाद नहीं रखा, आपको भी तो प्रसाद देना चाहिए ना। तो बोले कि महाराज मैं ब्राह्मण और ये ज्वालिया, इसका चीखा मैं खाऊंगा तो मेरी जात बिगड़ जाएगी और आप लोगों के तो मैं चोटी न जन रहू, जात पात है नहीं, आप खाइए प्रसाद इसका। तो नारायण ये कृष्ण भगवान जो है ये कहते हैं कि गोपियों ने एक दिन श्री कृष्ण से कहा उत्तर तापनी नहीं करता है, प्राय जो पूर्व तापनी होती है वो उपासना प्रधान होती है और उत्तर तापनी वेदांत प्रधान होती है, जैसे नरसिंह पूर्व तापनी उत्तर तापनी, राम पूर्व तापनी उत्तर तापनी और गोपाल पूर्व तापनी उत्तर तापनी है। तो गोपियों ने एक दिन श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि आपको साक्षात परमात्मा है पर ब्रह्म है, आपको तो कोई पाप पुण्य लगता नहीं है, आप चाहे राज करो विलास करो जो मर्जी वस्तु करो, लेकिन हम लोगों को तो पाप लगेगा क्योंकि हम जीव है, तो इस पाप से कैसे मुक्ति मिले। तो श्री कृष्ण भगवान को मजाक हो गया, उन्होंने कहा कि यमुना से उस पार एक दुर्वासा मुनि रहते हैं, लेकिन जब वृंदावन में यमुना पार करो तो दुर्वासा आश्रम मिलेगा उस पार है ना, और वहां तो पहले महाराज ऐसी धूप धूप स्त्रियां और लड़कियां रहती थी, मैं तो अब से 55-60 वर्ष पहले वहां गया था, उसके बाद कभी जाने का मौका नहीं मिला। तो उन्होंने कहा दुर्वासा को घर पे भोजन कराओ, जो पाप ताप है वो सब छूट जाएगा। तो गोपियों ने तरह तरह का व्यंजन बनाया, यमुना पार करना हुआ तो कृष्ण से पूछा यमुना हम कैसे पार करेंगे, बीच में तो यमुना जी है, नाव आओ कोई है नहीं। बोले कि तुम लोग यमुना जी से बोलना कि यदि श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं, अनादिक ब्रह्मचारी है श्री कृष्ण, अखंड ब्रह्मचारी है, तो यमुना हमको मार्ग दे दे सूर्य। महाराज गोपियां गई और मार्ग मिल गया दुर्वासा जी के पास गए और उनको खूब खिलाया पिलाया, जब खूब खा पी छूटे सब का जितनी गोपियां जितना तरह का व्यंजन ले गई थी सब अकेले दुर्वासा जी चट गए। आज गोपियों ने पूछा कि महाराज कृष्ण के ब्रह्मचारी बने की दुहाई देके तो हम लोग यमुना पार करके आए थे, आज हम यहाँ से लौट के कैसे यमुना पार करेंगे। बोले यमुना जी से कह देना कि यदि दुर्वासा जी कभी कुछ न खाते हो सर्वथा अभोक्ता हो दुर्वासा तो यमुना जी हमको मार्ग दे दें, तो अनादि अनादि अभोक्ता है दुर्वासा, साक्षात शंकर के स्वरूप है दुर्वासा शंकर श्याम कह और आप अभोक्ता चलते हैं। तो वहां दुर्वासा जी महाराज ने आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया है। अब उस आत्मा का ज्ञान जहाँ गोपियों को हुआ अकर्ता अभोक्ता, वहाँ उनके मन में जो सुकृत दुष्कृत का पाप पुण्य का जो भाव था कि भाई वह सुकृत दुष्कृत है विधुन उठे पेश नित्यो महिमा ब्राह्मण से न कर्मणा वर्धते नो कन्यान, तो गोपियों को तत्व ज्ञान हो गया श्री कृष्ण तत्व का और दुर्वासा तत्व का। ये कथा गोपालोत्तर तापनी की है और जरूर जिसने प्रश्न किया है उसने पढ़ा होगा, ऐसा ध्यान से पढ़ना
और उसका अभिप्राय ये नहीं है कि जो मौज हो सो करे, उसका अभिप्राय ये है कि आत्मा का तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए। आत्मा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि हास्ति तदमुत्र यदमुत्र तदन्वय मृत्यु समृत्युम गच्छति यह नानेव पश्यति, यहाँ और वहाँ में कोई भेद नहीं है, जो वहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही वहाँ है। आत्मा के ज्ञान में उसका तात्पर्य है। और विरोचन और इंद्र जैसे सुन के आए थे जक्षण क्रीडन रमाना श्रीगिरवा जानेगिरवा महेश्वरवा, वैसे यदि विरोचन वाला ज्ञान उससे प्राप्त करो तो गलत रास्ते पर चले जाओगे, और इंद्र वाला ज्ञान प्राप्त करोगे तो सही रास्ते पर चलोगे। ओम शांति।